कट रहे हैं दुख में दिन, कमियों में दिन। समय बिताए नहीं बीत रहा है, क्योंकि ना घर में पैसा है, ना दुकान चलती है, ना बिजनेस व्यापार चलता है, जहां से सुनाई पड़ती है केवल दुख, दरिद्रता और कमियों की बातें। कोई उत्साह नहीं है जीवन में, कोई उमंग नहीं है जीवन में, क्योंकि आपके पास धन नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बोलिए विष्णु देव की जय। श्री नारायण, श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, एक ऐसा शब्द। ये शब्द मैं इसलिए कह रही हूं कि हमारे लिए, हम जो मनुष्य है ना, बड़े तुच्छ हैं, सूक्ष्म है, कुछ नहीं है इस सृष्टि में, तो हम अपने ही हिसाब से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो शब्द है हमारी जिह्वा से निकल रहे हैं, यह केवल शब्द नहीं है, यह कोई मंत्र नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये ब्रह्मांड है लक्ष्मी नारायण, जिसके इर्द गिर्द संसार की सारी खुशियां है, असंख्य असंख्य चीजों के मालिक है, जो धनवान से भी धनवान है, जो क्षण भर में हमारे भाग्य को बदल देते हैं, वह है लक्ष्मी नारायण। ना ये पुरुष है, ना महिला है, ना ये देवी है, ना देवता है। क्या है ये लक्ष्मी नारायण, जिससे ये सृष्टि चलती है, जिसके बिना हमारा जीवन खत्म हो जाता है। लोग हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं देंगे यदि धन नहीं है आपके पास। कोई आपकी वैल्यू नहीं लगाएगा, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। ये बाहरी की दुनिया की बात नहीं कर रही हूं। यदि आप घर में तीन भाई चार भाई है ना, सभी कमाते हैं और आप नहीं कमाते ना, तो आपको उन भाइयों के बीच भी सम्मान नहीं मिलेगा, यह सत्य है। जन्म जो माता पिता ने आपको दिया है ना, उनके भी यदि दो संतान में एक बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी आय अर्जन कर रहा है, खूब धनवान है और आप कुछ नहीं कमा रहे हैं और गरीब हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि उनकी नजर में भी आप तुच्छ हो जाएंगे, और जो कमा रहा है उसकी इज्जत, उससे प्रेम वो ज्यादा करेंगे। ये अद्भुत बात जरूर लगती है सुनकर, कि जन्म देने वाले माता पिता के मन में भेद नहीं होती है संतान के लिए, लेकिन फिर भी ये कलयुग है, ये संसार का नियम है, जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका परम कर्तव्य होना चाहिए, प्रथम प्रातः जागते ही, आज दिन भर में आप क्या आय अर्जन करेंगे, क्या पैसा कमाएंगे, सर्वप्रथम सारे काम को छोड़कर इस बात की तैयारी कीजिए, इस चीज के लिए खुद को रेडी कीजिए कि आज आपको फिर से बहुत सारा धन कमाना है। तभी प्यार मिलेगा संसार वालों का, ये दुनिया वालों की, तभी इज्जत मिलेगी आपको, तभी पत्नी आगे पीछे घूमेगी, सम्मान करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, बहुत प्यार निछावर करेगी। अब कुछ नहीं दोगे ना, तो एक समय के बाद इरिटेट हो जाएगी वो, आपसे चिढ़ जाएगी, आप ही को ताना सुनाएगी। वही बच्चे जिसे आपने जन्म दिया, पाला पोसा ना, यदि उनकी एक भी जरूरत आप पूरी नहीं कर पाए, तो एक समय के बाद वो भी चिढ़ जाएंगे आपसे। इसीलिए धन सब कुछ तो नहीं है, परंतु धन बहुत कुछ है इस संसार में। तो धन यदि नहीं है आपके पास, आपकी कोई दुकान है जो बिल्कुल नहीं चलती है, आपका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, आपकी नौकरी है जिसमें इतनी कम सैलरी है कि कभी सैलरी बढ़ती ही नहीं है, आपके घर में सुबह से शाम तक कमियों की एक गूंज गूंजती है, और दरिद्रता आपके घर का पीछा छोड़ती ही नहीं। यदि समाज में बहुत वर्ष के प्रयत्न के बाद भी आप अपना स्थान नहीं बना पाए, और अमीरों की लिस्ट में आपका नाम अब तक दर्ज नहीं हुआ, तब आज का ये वीडियो आपके लिए। मैं कहती हूँ कि इस अद्भुत मंत्र को केवल मेरे बताए, मैं जितने दिन कहूँ, जिस तरह कहूँ, जिस नियम से कहूँ, जाप करना प्रारंभ कीजिए। जन्म जन्मांतर की गरीबी, दुख, तकलीफ और कमी से आप दूर ना हो जाए तो कहिए, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो सार्थक मंत्र है जो जीवन को सार्थक कर देता है।
हर कमी, हर दुख, हर दुविधा दूर होगी जीवन में। केवल चलते फिरते, जागते सोते ओम नमः शिवाय बोला करो। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक अद्भुत मंत्र बताने जा रही हूँ, बहुत सारे भाई बहन इस मंत्र को जानते होंगे, सुने होंगे। नियम से कीजिए, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज को करने का एक नियम होता है, और जब नियम से हम वो चीज करने लगते हैं फिर उसका जादू देखने को मिलता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। माला नहीं लेनी आपको, गिनना भी नहीं आपको इस मंत्र को जो मैं मंत्र अभी बताऊंगी, जो सप्त शक्तिशाली मंत्र है इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में। यह मंत्र उनमें से एक है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से प्रारंभ करें। केसर और हल्दी का लेप लगा ले माथे पर या तिलक लगा ले। केसर और हल्दी का वह घोल अपने नाभि पर लगाएं, गुरु पर्वत पर लगाएं। समझ में ना आए गुरु पर्वत, या बहुत घोला हो आपने तो हथेली पर लगा ले। बैठ जाएं एक स्थान पर, एकांत स्थान पर, जहां कोई टोके नहीं, जहां कोई कुछ बोले नहीं, उत्तर की दिशा की ओर चेहरा हो। और यदि दुकान में आप बैठते हैं और दुकान नहीं चलती, तो दुकान के गन्ने पास बैठ जाइए। जहां आप अपनी गद्दी में बैठते हैं वहां बैठ जाइए। मन को शांत चित्त रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन को शांत करके गिनना नहीं है, 20 हो गया, 108 हो गया, 226 हो गए, गिनना नहीं है। लगातार, बिल्कुल कम तो 5 मिनट, संभव हो 11 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, ताकि ये मंत्र जब जिह्वा से प्रारंभ हो तो जिह्वा तक ना रुक जाए। यही मंत्र जिह्वा से होते हुए आपके कान, आपके आंख, आपके मस्तिष्क पर छा जाए जब तक, अर्थात 5-7 मिनट की गूंज हो, बोलते जाएं, मन शांत हो। उस वक्त कुछ चिंता नहीं, घर में जो झगड़े होते वो नहीं, आपको दुख हो, आपको कर्ज हो, वो नहीं। मस्तिष्क पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि विष्णु को याद कीजिए, माता लक्ष्मी को याद कीजिए। शांत मन से जप कीजिए, कोई विष मत बोलिए भगवान से, कुछ मत मांगिए, उन्होंने आपको बनाया है। फिर आपके जीवन की जो कमियां है ना, वो उनसे ही होकर आई है, और ये दूर भी वही करेंगे, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। केवल यह जादू ये जप करना प्रारंभ कीजिए 21 दिनों तक, कम से कम बिना रुके। इन 21 दिनों के बीच आपको लहसुन प्याज और मांस मछली का सेवन नहीं करना है, भूल कर भी नहीं। सर से जल डालकर प्रतिदिन स्नान करें, चाहे आपके बाल बड़े हो, आप महिला हो, अगले दिन ऐसा नहीं आप गले से नहा लीजिए, आप सर से डालकर संपूर्ण स्नान जिसे कहते हैं, पानी डालकर ही स्नान कीजिए, और 21 दिन तक इस मंत्र का जप कीजिए। देखिए कैसे आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधा दूर जाती है। धनवान हो जाएंगे आप, माला माल हो जाएंगे आप, माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसेगी, बन जाएंगे आप करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।